हम बात करेंगे अपने सीनियर तजाकार से, वो हमें अपडेट करेंगे जलावाला में जो बारिशों से जो कब्रें मुनहदम हुई हैं उस बारे में हमें अपडेट करेंगे। जी सोबान, क्या कहना आपका जलावाला के बारे में? जी नाजी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जलावाला में जब से मौसम बरसात का मौसम शुरू हुआ है तकरीबन 4 से 5 हज़ार कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं। या आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये कब्रें मुनहदम हुई, ये आप देख रहे हैं कब्र। बाद कब्रें इस जगह पर ऐसी भी हैं जहाँ पर मैयत के वाज़े निशानात नजर आते हैं। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें इजाजत नहीं है। ये आप देख रहे होंगे हर तरफ कब्रों की आहो बुका है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, अस्तग़फिरुल्लाह। ये आप देख रहे होंगे खतरनाक इधर आया, खतरनाक कब्र है। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव मनाजर दिखाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, ये आप देख रहे हैं, ये कब्र ऐसी है इसके सलापे बह चुकी हैं और ये काफी खौफनाक कब्र है, काफी वहशत यहाँ पर वहशत हो रही है। यस, हम बात करेंगे यहाँ के रहायशी से, वो हमें अपडेट करेंगे। जी क्या कहना आपका इस कब्रस्तान की टूटी हालत के बारे में? जी क्या कहना आपका कब्रस्तान की टूटी हालत के बारे में? जी आप देख रहे हैं कि जब से मौसम बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है बहुत ही कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं। और क्या कहना आपका इस कब्रस्तान में तकरीबन कितनी कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं? 2 से 3 हज़ार कब्रें मुनहदम हो चुकी। क्या उनके अजीजों अकारब आ रहे हैं यहाँ पर उन्हें रिपेयर करने के लिए? उनको कुछ पता नहीं है, उनको